हेलो फ्रेंड्स, आज ये फिर से हम लोग जो कल केस ग्रुप में डाला गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि पेशेंट था, माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था उसको कुछ सालों से, तो अपना इलाज करा रहा था, लेकिन घर वाले जो बताए कि इसको डॉक्टर साहब जब दर्द होता था इसको पहले ही से पता चल जाता है, और उसी समय कहने लगती है कि मुझे इंजेक्शन दो, क्योंकि इंजेक्शन से उसको काफ़ी आराम मिल जाता है और टेबलेट खाने से उसको उतना बढ़िया आराम नहीं मिलता है, फिर भी थोड़ा बहुत आराम मिलता है। तो पहले से जब बताती है कि हमको इंजेक्शन ही दे दो कि काफ़ी आराम हो जाए, तो घर वाले लोग फोर्स करते हैं कि नहीं, अब पहले आप टेबलेट ले लो, उसके बाद नहीं होता है तो इंजेक्शन दिया जाएगा। तो बहुत गुस्सा करती है डॉक्टर साहब, गुस्सा इस बात को लेके करती है कि जब टैबलेट से हमको काफ़ी आराम नहीं मिलता है तो हमको क्यों टैबलेट आप लोग बार बार देते हैं, आप लोग एक बार इंजेक्शन दे दीजिए कि हमको पूरी तरह से आराम हो जाए। तो यहाँ हम लोग के पास रूब्रिक आ रहा है कि लाइट डिजायर भी है, इसमें ले सकते हैं, और इनकॉन्सोलेबल है वो भी, इनकॉन्सोलेबल हिट विथ जब उसको तकलीफ बढ़ता है और काफी सर में दर्द होने के बाद उसको लगता है कि मुझे इंजेक्शन दे दिया जाए कि कुछ आराम मिल जाए। तो घर वाले बार बार उसको कोशिश करते हैं कि कम से कम टैबलेट ले लो, उससे भी आराम हो जाएगा। तो ये फोर्स करती है कि नहीं, हमको टैबलेट नहीं इंजेक्शन दो। तो नॉट एबल टू कंफर्ट, इनकॉन्सोलेबल का मतलब होता है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वहां हीट विथ कि अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो अभी उसके दौरान कोई कहता है कि आप टेबलेट ले लो तो कंसोल नहीं हो पाती है। और आगे जो उसने बताया पेशेंट ने कि मैं पूछा कि आपको कोई परेशानी चल रहा है लाइफ में जो बताने लायक हो तो आप बता सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक बार मुझे कोई आरोप लगा दिया, जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर लिया और किसी को आरोप लगाया गया कि आप भाई फलाना चीज ले लिए हैं, तो वहां तो चलेगा क्योंकि वो लिया है, लेकिन ये ली नहीं है फिर भी इसको आरोप लगाया गया है कि आप फलाना चीज ले ली है, और ये आरोप उसको बार बार याद पड़ता है, और याद कर करके इसको बहुत तकलीफ फील होता है अपने अंदर से कि जब हम ये चीज नहीं लिए हैं तो फिर भी हमको आरोप लगाया जा रहा है, बार बार लगाया जा रहा है आरोप। तो ये हो गया ड्वेल पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंस, उसका जो डिसएग्रीबल ऑकरेंस है, जो घटना जिस उपस्थिति में है, और डिसएग्रीबल मतलब हो गया अप्रिय, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसको भाता नहीं है, जो वो कर नहीं पाता है, सोच भी नहीं सकता है कि हमको इस तरह से करना है, किसी का सामान चोरी कर लेना है या कोई आरोप मुझे कोई लगाए, और वो घटना जो है इसको भयानक लगता है, फ्राइटफुल स्केन मॉर्नफुल इवेंट टर्मेंटेड बाई द, मतलब भयानक घटना हो गया उसके साथ, और ये लोग घटना का जो है मॉर्नफुल स्टेज में चला गया, दुख भरा, मतलब बहुत ज्यादा गहन दुख। तो ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीबल ऑक्यूरेंस ऑन फ्राइटफुल स्केन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट, और वो भी टर्मेंटेड बाई द, उसको यातना देना बार बार कि हम जो काम नहीं किए उसके बावजूद भी हमें लोग इस तरह से कहता है, तो कितना टॉर्मेंटेड हो रही है, और ये चीज कंटिन्यू उसके दिमाग में चलते रहता है। जब भी जो जो लोग आरोप लगाए हैं वही लोग सामने जब आते हैं तो इसको याद पड़ जाता है, जैसे याद पड़ता है तो इस बहुत गहन दुख में चली जाती है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि
और इसके आगे बोल रही है कि जब अभी तो सास ससुर हैं तो कुछ हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं, वो लोग का मेरे बारे में सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, इसलिए उसको अभी कभी नहीं रही है। तो यहाँ रूब्रिक हो गया सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, कि अगर आज हम उस सब से कुछ कहते हैं तो सास ससुर हैं, बूढ़े हो गए हैं, उसके बाद वो लोग का सोचेंगे, तो इसको लेके वो अभी कुछ कह नहीं रही है। और दूसरा, थॉट टॉर्मेंटेड पास्ट डिसएग्रीबल इवेंट अबाउट, वही घटना टॉर्मेंटेड करते रहता है, उसका विचार हमेशा आते रहता है कि हम जब नहीं लिए कोई सामान और वो लोग बार बार मुझे आरोप लगा रहा है, तो ये थॉट उसको कंटिन्यू परसिस्ट कर रहा है और टॉर्मेंटेड फीलिंग में जाती है, यातना वाला बहुत गहन दुख जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी है ही, ओवर एक्टिव है और माइल्ड है, एक्सक्लूसिव है, हाई स्पिरिटेड है, तो ये बंदा कभी सोच भी नहीं सकता है। तो बोल रही है कि जब मेरा पावर होगा तब हम बताएंगे ये सबको उसी तरह से यातना देके, ताकि ये लोग समझ सके कि यातना देने से कितना तकलीफ होता है। तो जब मुझे पावर मिलेगा तब तो हम इनको इनको भी उसी तरह का यातना देंगे, तब ये लोग समझेगा। तो यहाँ समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं इस रूब्रिक को, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांडेड, यातना देंगे, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांडेड, तो मतलब वो अपना अधीन बनाना चाहती है उस सबको, यातना दे के उसी तरह से यातना देंगे कि ये लोग भी समझ पाए कि यातना देने से क्या मतलब, दिक्कत कौन कौन सा दिक्कत हो सकता है आदमी को। तो इसी में केस निकला हुआ था, वैसे रूब्रिक हम दो ही तीन लिए थे लेकिन समझने के लिए कुछ बता दिया गया। और आगे इसमें स्टार्टिंग हुआ 200 पोटेंसी से, तो जैसे पोटेंसी 200 दिया गया तो कुछ आराम मिला, बीच बीच में दर्द हुआ लेकिन टेबलेट से ठीक हो गया। 1-1.5 महीना बीतने के बाद फिर इसको 1 एम करना पड़ा, तो 1 एम करने के बाद हमको लगता है कि 1-2 सप्ताह के बाद एक बार दर्द हुआ था थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कंट्रोल हुआ, सो अभी आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उसके गहन अंदर के तरफ जाके समझना होता है कि होम्योपैथी में किस बेस पर मेडिसिन लिखा जाए, और वो ड्वेल्स जो है उसी के वजह से ही इतना परेशान की हो रही थी महिला। तो आगे फिर समझा जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।